हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। मेरा चैप्टर चल रहा है अ मैन्स ट्यूशन। फिर एक लाइन रिपीट कर रहा हूँ कि यदि इंसान अच्छा है और वो चाहे तो बुरे से बुरे इंसान को भी अच्छा बना सकता है। ऐसी ही एक जेंटलमैन की कहानी इसके अंदर आई। एक चोर जो छिपा हुआ था छत पर, उसको पता था कि वो चोर है, लेकिन फिर भी उसने उसको इनवाइट किया, बुलाया, खाना खिलाया, कुछ कॉइन्स दिए। फिर दोबारा से एक ऐसा ओकेजन आया कि उस जेंटलमैन का बर्थडे फिर पड़ा। फिर दोबारा से वो व्यक्ति आया, तब तक उस जेंटलमैन की, वृद्ध व्यक्ति की आंखें कमज़ोर हो चुकी थी, वो पहचान नहीं पाया। किस तरीके से उस व्यक्ति ने अपना, अजनबी ने किस तरीके से अपना परिचय दिया, किस तरीके से उसने अपने रास्तों को बदला, बुराई के रास्तों को, किस तरीके से वो अच्छा इंसान बना, एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, एक मीनिंगफुल चैप्टर जो आज मैं आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। सब कुछ मैंने पहले ही बता दिया, बाकी अब तीन पैराग्राफ्स हैं इसके जो मुझे बताने हैं आपके लिए, और फाइनली आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से अच्छे एक्ट के द्वारा, अच्छा कार्य किया, कार्य के द्वारा बुरे से बुरे इंसान को भी अच्छा बनाया जा सकता है। देखिए आगे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उस लास्ट की जो लाइन है मैं वो रिपीट करता हूँ हमेशा, तो सुने ज़रा ध्यान से। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, उस जेंटलमैन ने उससे क्या कहा कि आई वॉन्ट यू टू हैव डिनर विद मी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ डिनर करें, भोजन करें, बट इन ऑर्डर टू इन्वाइट यू, लेकिन आमंत्रित करने से पहले आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपको मैं आमंत्रित करूँ, इन्वाइट करूँ, उससे पहले आप मुझे अपना नाम ज़रूर बताएं। स्टार्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट आगे देखें। द मैन हु हैड ब्रॉट द प्राइसलेस गिफ्ट, वो व्यक्ति जो लेकर आया था द प्राइसलेस गिफ्ट, अमूल्य उपहार लेकर आया था, रिप्लाइड, उस व्यक्ति ने जवाब दिया उस जेंटलमैन को, सर वंस बिफोर, एक बार पहले, ऑन अनदर ओकेजन, एक अवसर पर, लाइक दिस, जैसा कि ये अवसर है आज आपका, उस अवसर पर भी, यू इन्वाइटेड अ गेस्ट, आपने एक मेहमान को आमंत्रित किया था, विदाउट नोइंग हिज नेम, बिना उसके नाम जाने ही आपने उसको आमंत्रित कर दिया था, दैट गेस्ट वॉज हाइडिंग इन योर रूफ, वो जो आपका मेहमान था वो छत पर छिपा हुआ था, एंड विशिंग यू इल, और तुम्हारा बुरा चाह रहा था, तुम्हारा बुरा करने के लिए आया था, बुरा चाह रहा था, यट यू ट्रीटेड हिम विद ऑनर एंड कर्टसी, लेकिन इसके बावजूद भी आपने उसको, उसके साथ सम्मान और शिष्टाचार का व्यवहार किया। Could you not invite him today as you did then? क्या आप उसको उसी तरीके से आमंत्रित नहीं कर सकते जैसा आपने पहले किया था? The old gentleman remembered, उस बूढ़े भद्र पुरुष को याद आ गया, how he had found the thief hiding in his roof, उसे किस प्रकार से एक चोर को अपनी छत पर छुपे हुए पाया था, and the stranger explained, अजनबी ने और ज़्यादा आगे बताया कि how the kindness shown to him, कि किस प्रकार से जो दयालुता उसके प्रति दिखाई गई थी, ऑन दैट ओकेजन, उस अवसर पर जिस प्रकार से दयालुता उसके प्रति दिखाई गई थी, हैड चेंज हिज लाइफ, उसने उसके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया था। अंडरलाइन कर लें, क्योंकि यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने शुरू में बताई थी और जो मैं बताना आपको चाह रहा हूँ। सिंस दैट डे, उस दिन के बाद से, ही हैड गिवन अप हिज ईवल वेज, उस दिन के बाद से उसने अपने सभी बुरे कार्य त्याग दिए, सभी रास्तों को छोड़ दिया, बुरे रास्ते जो थे, एंड ट्राइड टू अर्न हिज लिविंग बाई ऑनेस्ट वर्क, और उसने अपनी आजीविका कमाने की कोशिश की बाई ऑनेस्ट वर्क, वो भी ईमानदारी द्वारा, ईमानदारी पूर्वक काम करते हुए उसने अपनी आजीविका कमाने की कोशिश शुरू कर दी। एज ईयर्स वेंट बाय, जैसे जैसे वर्ष गुजरते चले गए, ही बिकेम वेरी रिच, वो बहुत ज़्यादा धनवान हो गया, बट दैट डिड नॉट मेक हिम एरोगेंट, लेकिन उसके बाद उसको, उसके बावजूद भी, धनवान बनने के बावजूद भी उसको कभी भी घमंड नहीं आया, कभी उसको घमंड नहीं हुआ अपने धनवान होने पर। इट वॉज हिज ड्यूटी, उसका एक कर्तव्य था, ही फेल, जैसा उसने महसूस किया, टू शो टू अदर्स द सेम काइंडनेस, कि वो भी दूसरों के प्रति उसी प्रकार से दयालुता दिखाए, दैट हैड बीन शोन टू हिम, जो दयालुता उसके प्रति दिखाई गई थी बाई द जेंटलमैन, उस भद्र पुरुष के द्वारा जो दयालुता उस समय उसके प्रति दिखाई गई थी, वही वो चाहता था कि वो भी दूसरों के प्रति उसी तरीका से क्या करे, दयालुता दिखाए। द ओल्ड जेंटलमैन वॉज डीपली टच्ड बाई द स्टोरी,
वो जो बूढ़ा भद्र पुरुष था वो डीपली टच्ड, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ बाय द स्टोरी, उस कहानी को सुनकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा। एंड व्हेन ऑल द अदर गेस्ट हैड लेफ्ट, जब अन्य दूसरे मेहमान जब वहाँ से चले गए, ही टर्न टू द स्ट्रेंजर, वो उस अजनबी की तरफ मुड़ा, एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, यू सी, आपको पता है, आई हैव मैनी सन्स एंड ग्रैंड सन्स, मेरे बहुत सारे बेटे भी हैं और मेरे बहुत सारे पौत्र वगैरह भी हैं, ग्रैंड सन्स भी हैं, बट नन ऑफ देम सीम्स टू सो डियर टू मी दिस नाइट एज यू, लेकिन उनमें से मुझे कोई भी इतना ज़्यादा प्यारा नज़र नहीं आ रहा है दैट दिस नाइट, आज रात मुझे उनमें से कोई भी इतना ज़्यादा प्यारा नहीं है एज यू, जितने ज़्यादा प्यारे तुम मुझे आज लग रहे हो। उसने कह दिया, मेरे पुत्र भी हैं, पौत्र भी हैं, सब हैं, ग्रैंड सन भी हैं, सब उसने बताया और लिखा उसने इसमें, मतलब उसने उसको एक्सप्लेन भी किया कि जो भी है लेकिन आपसे ज़्यादा इस रात मुझे कोई भी प्यारा नहीं है। दो अ लिटिल काइंडनेस विच आई डिड टू यू, हालांकि थ्रो अ लिटिल काइंडनेस, थोड़ी सी दयालुता के जरिए, विच आई डिड टू यू, जो दयालुता मैंने आपके प्रति दिखाई थी सो मैनी ईयर्स है, वो कई वर्षों पहले जो दयालुता मैंने आपके प्रति दिखाई थी, अदर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैव बीन बॉर्न, दयालुता के अन्य जो कार्य हैं उससे और ज़्यादा उससे भी उत्पन्न हो गए हैं, यानी कि जो दयालुता मैंने आपके प्रति दिखाई थी कई वर्षों पहले, अदर एक्ट्स और जो कार्य हैं ऑफ काइंडनेस, दयालुता के अन्य जो कार्य हैं हैव बीन बॉर्न, वो भी अब पैदा हो चुके हैं, हो गए हैं। एंड नाउ देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ सन्स एंड ग्रैंड सन्स एंड ग्रेट ग्रैंड सन्स, अब कोई सीमा नहीं है किसकी, टू द नंबर ऑफ सन्स, ना तो बेटों की कोई सीमा है, ना जो पौत्र वगैरह हैं उनकी, जो उनसे भी बड़े पौत्र वगैरह हैं, अब उनकी कोई सीमा नहीं है। ऑफ दैट वन स्मॉल डीड ऑफ माइंड, जो मेरे द्वारा एक छोटा सा जो काम किया गया था उसके सामने अब किसी की कोई सीमा नहीं रही। आई एम ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ टू यू, मैं आपका आभारी हूँ, बिकॉज यू हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस, क्योंकि तुम एक साधन बने काएगा पासिंग आगे बढ़ाने का ऑन दैट काइंडनेस, क्योंकि तुम एक जरिया बने हो, एक माध्यम बने हो, किसका, दयालुता का जो कार्य किया था मैंने उसको आगे बढ़ाने का आप जरिया बने हो, इसलिए मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। यू आर इंडीड अ ट्रू सन टू मी, वास्तव में तुम ही मेरे सच्चे पुत्र हो, एंड इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू, आपकी बहुत ज़्यादा ये बहुत अच्छा आपका काम लगा, इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू, आपकी बहुत मानता है, बहुत अच्छा काम था टू कम, कि तुम मेरे पास आए एंड टेल मी योर स्टोरी, और आपने आकर अपनी कहानी मुझे सुनाई, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका मैं आभारी रहूँगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जिस प्रकार से वो चोरी के उद्देश्य से उसके घर में घुसा था, लेकिन उस जेंटलमैन के द्वारा किया गया अच्छा काम, अच्छा व्यवहार, उसकी दयालुता ने उसके जीवन को ही बदल दिया। उस चोर ने उसी दिन से ठान लिया कि वो ईमानदारी से काम करेगा, मेहनत करेगा और अपनी आजीविका कमाएगा, और ऐसा करते हुए वो बहुत धनवान व्यक्ति भी बना, और उसके मन में औरों के प्रति उसी प्रकार से दयालुता का भाव प्रकट हुआ, और उसने भी सोचा कि मैं भी इसी तरीके से दयालुता दिखाऊंगा जैसी मुझ पर उस जेंटलमैन ने उस दिन दिखाई थी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा काम, एक छोटा सा जो डीड था जेंटलमैन का, उसने उसकी पूरी किस्मत को बदल दिया, और किस्मत बदलने के साथ साथ उसके एक्ट्स थे गंदे, गलत रास्ते थे, वो सब बदल गए और वो एक अच्छा इंसान बन गया। उसकी महानता देखिए उस चोर की, कि वो जब बड़ा इंसान बना, धनवान बना, तो उसको घमंड नहीं हुआ, और उसने उस बूढ़े व्यक्ति के रास्ते को अपनाने का विचार बना लिया, और वो उस दूसरे ओकेजन पर वो आया और आकर उसने सब चीज़ें उसको बता दी। तो ये मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है आपका यहाँ पर। कोई भी आपको दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई आपकी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स पे जाएं, उसमें लिखें, तुरंत मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए चैप्टर के साथ फिर आपके सामने मैं आऊँगा, तब तक आप पढ़ लें, अच्छी तरीके से समझते चलें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े, मेरे कहने से मेरी जो ओपिनियन है, मेरा जो सजेशन है, उनको आप रिपीट जरूर करें, उनको पढ़ें दोबारा जरूर,
क्योंकि जब चीज़ें नहीं पढ़ी जाती, एक चैप्टर को जब यदि आप 10 दिन तक नहीं पढ़ोगे तो उसका 25% जो मैटर है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो ट्राई टू रिपीट योर चैप्टर्स ऑल्टरनेटिवली, एक के बाद एक चैप्टर जो भी आते गए उनको आप रिपीट कीजिए और समझते चलिए। और जो भी मैसेज मिले चैप्टर का, मैं फिर कहूँगा आपसे कि अपने पर्सनल लाइफ में उसको ज़रूर एडॉप्ट करें, ज़रूर अपनाएं और उसी के अनुसार अपना कार्य करें। तो मिलते हैं, तब तक आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू।